तो हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि मेरी SP125 या फिर किसी की भी SP125 बाइक हो, तो उसमें मिल जाता है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें जो है काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो मेरी बाइक को जो है परचेस करके 1 ईयर 2 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं और बाइक जो है मेरी कुछ इतना किलोमीटर चल चुकी है, 9600 किलोमीटर जो है यहाँ पर मेरी बाइक चल चुकी है। और अब तक जो है डिजिटल मीटर के जो फीचर्स है वो काफ़ी सही वर्क करते थे, अब तक जो है मुझे काफ़ी सही एक्सपीरियंस यहाँ पर मिला है। लेकिन अब जो है थोड़ी सी दिक्कत मिलने लगी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ये बता देता हूँ कि इसमें फीचर्स क्या मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल फ्यूल मीटर, स्पीड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है टाइम आप देख सकते हैं, अब तक जो है आपकी बाइक कितना किलोमीटर चली है, यहाँ पर आप जो है गियर पोजीशन इंडिकेटर यानी कि आपकी बाइक कौन से गियर में, ये आपको यहाँ पर पता चल जाता है। सिलेक्ट और सेट के यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, यहाँ पर आपको रियल टाइम माइलेज ये फीचर मिल जाता है, एवरेज आपकी बाइक कितना एवरेज दे रही है, और यहाँ पर जो है किलोमीटर रेंज यानी कि बाइक में कितना फ्यूल है और कितने फ्यूल में बाइक और जो है कितना किलोमीटर चल सकती है। तो फीचर में क्या दिक्कत आ रही है, यानी कि अब तक जो है एक्सपीरियंस काफ़ी सही था, हर एक फ़ीचर जो है काफ़ी अच्छे से वर्क करता था। माइलेज का यानी कि एवरेज का जो फ़ीचर है ना, वो भी जो है लगभग सही वर्क करता था, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। और अब जो है दिक्कत कुछ ऐसी आ रही है जो कि ये जो डिजिटल फ्यूल मीटर है ये अब जो है कभी भी ब्लिंक करने लगता है। अगर बाइक में जो है 2-4 लीटर अगर पेट्रोल भी है तब भी जो है ये ब्लिंक करने लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है किलोमीटर रेंज बिल्कुल शो नहीं करता। तो अब तक तो जो है ये दोनों ही फीचर यानी कि यहाँ पर जो ये फ्यूल मीटर है, किलोमीटर रेंज है, ये अब तक तो जो है काफ़ी सही वर्क करता था, लेकिन अब जो है कभी कभी थोड़ा गलत यहाँ पर शो करने लगा है। तो यार SP125 में यहाँ पर जो है काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे से वर्क भी करते हैं, और अब तक जो है 1 ईयर बाइक को परचेस करके हो गया, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, और एक्सपीरियंस अब तक काफ़ी बेटर था, सारे फीचर काफ़ी अच्छे से वर्क करते थे। लेकिन अब जो है थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत मिलने लगी, ये जो फीचर है ना, और ये जो फीचर है यानी कि डिजिटल फ्यूल मीटर, किलोमीटर रेंज, ये जो है अब गड़बड़ करने लगा है, जो कि नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी ये गलत शो नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा होने लगा है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है आप फ्यूल देख सकते हैं, किलोमीटर रेंज सही है, लेकिन यार कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा यानी कि 3-4 लीटर फ्यूल होने के बाद भी ये जो है गड़बड़ करने लगता है, यानी कि कुछ भी शो करता है, ब्लिंक करने लगता है, तो तब जो है थोड़ा सा सही नहीं है यार। तो अब तक तो जो है काफ़ी सही एक्सपीरियंस मिला, अब थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, देखते हैं ये कब तक ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। अगर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम तो है, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। तो थोड़े दिन में जो है देखता हूँ, अगर ये फिर से सही से वर्क करने लगता है तो कोई बात नहीं, और अगर ये जो है गलत शो करने लगता है तो इसको जो है शोरूम पे जाकर इसको जो है चेक करना पड़ेगा, कहाँ पर दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जो है फीचर ये काफ़ी बेटर है, ये जो या फिर फ्यूल मीटर, इससे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जो है किलोमीटर रेंज से हमें काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है, क्योंकि इस फीचर का काम कुछ ऐसा है, हमारी बाइक में कितना फ्यूल है और उसमें कितना किलोमीटर चल सकती, ये जो है ये फ़ीचर लगभग जो है हमें सही बता देता है। तो ये जो है हमारी लॉन्ग राइड के टाइम या फिर कभी भी जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर ये बन जाता है, तो इसको जो है इग्नोर करना सही नहीं है। तो बाकी तो जो भी फीचर मिलते हैं, एवरेज वगैरह वगैरह वगैरह, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको जो है मीटर ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर बाकी सारी लाइट्स, इको मोड वगैरह, इको मोड भी, बाकी सारे फीचर्स जैसा कि आप देख सकते हैं, BS6 इंजन माल, फंक्शन लाइट, न्यूट्रल लाइट, यहाँ पर हाई बीम लाइट, इंडिकेटर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। सिलेक्ट सेट का यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है, टाइम वगैरह, गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी एडवांस बाइक है और फीचर्स जो है अब तक काफ़ी सही वर्क करते थे, और बाकी सारे फीचर्स भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो है एक ही फीचर जो है यानी कि फ्यूल मीटर और किलोमीटर रेंज, ये दो फीचर जो है ना थोड़ी सी अब दिक्कत देने लगे, देखते हैं कब तक जो है ये प्रॉब्लम चलता है। नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, लेकिन जो है उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी भी है, क्योंकि फीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है यार। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही कि ये जो है ऑटोमेटिकली ठीक हुआ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, या फिर जो है मुझे शोरूम में ले जाकर इसको रिपेयर करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, जो भी है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सब कुछ ज़रूर पता चल जाएगा। तो उसके लिए जो आपको, अगर आपको बाइक से रिलेटेड जो है वीडियोज़ देखना पसंद है, तो आपको पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आपको नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना है, जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन अब तक पहुँच जाएगी।
बाकी बाइक काफ़ी बेटर है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक, काफ़ी सारे फीचर्स, अच्छा खासा माइलेज और यहाँ पर काफ़ी कुछ मिल जाता है, काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर फीचर भी मिल जाते हैं। एक बार मैं आपको जो है 1 ईयर के बाद भी जो है, यानी कि बाइक को परचेस करके 1 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, एक बार मैं आपको जो है एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ। तो बाइक को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर मिल जाता है इंजन किल स्विच, एक ही स्विच से जो है हम दोनों ही काम कर सकते हैं, बाइक को चालू बंद दोनों ही कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं बाइक को स्टार्ट। तो यहाँ पर जो है काफ़ी साइलेंटली हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, यदि बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करती तो अब मैं आपको एग्जॉस्ट का यहाँ पर साउंड सुना देता हूँ। तो इंजन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड मिल जाता है, बाकी फीचर का कुछ मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ रही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ ज़रूर बताऊंगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है, वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। बाकी जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।